दोस्तों हम में से ज़्यादातर जो यूजर हैं कंप्यूटर यूजर हैं वह विंडोज़ के यूजर हैं। तो दोस्तों आप चाहे विंडोज़ 7 यूज करते हैं, चाहे विंडोज़ 8, चाहे विंडोज़ 10, विंडोज़ का कोई भी वर्जन अगर आप यूज करते हैं तो हम सबके साथ या कभी कभी ये समस्या ये होती है जब भी कोई हमारा कंप्यूटर या लैपटॉप लेकर जाता है तो हमें ये डर रहता है कि हमारा कोई भी चीज़ ये डिलीट ना कर दे। बाकी इसके अलावा भी हमने कोई आपकी वीडियोस को ना देख सके, कोई आपका डेटा ना कॉपी कर सके, इसके ऊपर भी मैंने ढेर सारी वीडियोस बनाए हुई है ग्रुप पॉलिसी के द्वारा, रजिस्ट्री के द्वारा और बहुत सारे ढेर सारे टिप्स एंड ट्रिक के द्वारा। आप आई बटन पर जाकर के देख सकते हैं कि मैंने कौन कौन से ट्रिक बताए हुए हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि ये समस्या होती है कि कोई भी हमारे डाटा को डिलीट ना कर सके। और दोस्तों एक और चीज़ हम लोग जानते हैं, विंडोज़ के अंदर हम लोग कोई भी चीज़ डिलीट करते हैं तो वह रिसाइकिल बिन के अंदर जाता है। एक बात और बता दूँ, रिसाइकिल बिन की भी एक लिमिटेड साइज होती है कि इतने GB तक फाइल डिलीट होगी तो रिसाइकिल बिन में जाएगी, लेकिन अगर उससे अधिक बड़ी फाइल है तो जब भी डिलीट होगा तो रिसाइकिल बिन में नहीं जाता, डायरेक्ट बाहर चला जाता है। इसके अलावा एक और चीज़ होता है, कभी कभी हम लोग डिलीट ना करके डायरेक्ट अगर शिफ्ट के साथ डिलीट करते हैं तो वो चीज़ें रिसाइकिल बिन में जाकर कहीं और चली जाती है, मतलब परमानेंटली डिलीट हो जाती हैं। दोस्तों तो हम ऐसे एक ट्रिक की बात कर रहे हैं जो कंप्यूटर की एक सेटिंग होती है, अगर आप वो सेटिंग कर लेते हैं तो कोई भी आपके ड्राइव का कोई भी डेटा अगर डिलीट होता है तो आप आसानी से वापस ला सकते हैं। जैसे अगर हम लोग मोबाइल की बात करें, मोबाइल के अंदर कोई भी चीज़ डिलीट होता है तो वह ट्रेस नाम का एक फोल्डर होता है, वहाँ पे चला जाता है, वहाँ से फिर हम लोग वापस ला लेते हैं। लेकिन दोस्तों मेरा नाम है तनवीर और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉक विद तनवीर में। दोस्तों मैं एक बात बोलना चाहूँगा, अगर हमारे चैनल पर नए हैं, हमारी वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी नई वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। दोस्तों इसके अलावा अगर आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, इसके अलावा आपके क्या क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन भी आप हमें कमेंट में क्वेश्चन करें और हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे और हम प्रयास करेंगे कि उसके ऊपर भी हम वीडियोज बना सकें। दोस्तों हम आपको दोनों चीज दिखाएंगे, क्रिएट करके भी, डिलीट करके और वापस भी ला करके दिखाएंगे। तो दोस्तों स्टोर पॉइंट क्यों क्रिएट किया जाता है, इसका एक महत्वपूर्ण कारण और मैं बता देता हूं कि जैसे मान लीजिए कि आप विंडोज में 7 या 8 कोई भी वर्जन को यूज कर रहे हैं तो कभी कभी होता क्या है कि हम अपडेट कर देते हैं। जैसे अपने सिस्टम को अपडेट कर दिया, पता लगा कि हमें चलाने नहीं आ रहा है या हमें उस फीचर को फीचर समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वहां से इस रिस्टोर पॉइंट से आप अपने सिस्टम में वापस आ सकते हैं, जो आपका पुराना वर्जन था सेम टू सेम आप उसको यूज कर सकते हैं, इसीलिए सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्रिएट किया जाता है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि कंप्यूटर सिस्टम में रिस्टोर पॉइंट की, तो हम चलिए दोस्तों चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं कि कैसे रिस्टोर पॉइंट को क्रिएट कर दें। दोस्तों जैसा हमने कहा कि हम लोग कैसे रिस्टोर पॉइंट को क्रिएट करेंगे, तो इसके पहले इसके लिए सबसे पहले आपको कंप्यूटर पर राइट क्लिक करना होगा और फिर जाना होगा प्रॉपर्टीज पे। जैसे प्रॉपर्टीज पे आएंगे आपको यहाँ पर ले जाएगा सिस्टम प्रोटेक्शन का ऑप्शन, इस पर जाएंगे। इस पर जाने के बाद जिस भी ड्राइव हमें लगाना है, सिस्टम सी ड्राइव से हमारा सिस्टम ड्राइव होता है तो हम लोकल डिस्क डी पे लगाते हैं। को ऑन करने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं कॉन्फ़िगर पे, और कॉन्फ़िगर पे जाने के बाद हम इस वाले ऑप्शन पे से इस पर क्लिक करेंगे और इसको ये साइज जो रहती है यहाँ से हम इसको बढ़ा देंगे, ठीक। उसके बाद अप्लाई करके ओके कर देंगे। अब क्या करना होगा हमें, यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन दे रहा है और जिस डेट को हम ये रिस्टोर पॉइंट क्रिएट कर रहे हैं वो डेट हम यहाँ लिखेंगे, आज की डेट हम लिखते हैं और यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ी देर वेट करने के बाद आपको एक मैसेज आएगा। दोस्तों देखिए जैसे हमने कहा कि एक मैसेज आएगा, द रिस्टोर पॉइंट वाज क्रिएटेड सक्सेसफुली, इसको क्लोज कर देंगे और ओके कर देंगे। अब हम एक काम करते हैं, चलिए थोड़ा सा एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। अब कंप्यूटर को ओपन करेंगे, अब आपको यहाँ पे लोकल डिस्क सी डी ई तीन ड्राइव दिख रहे हैं, हमने किस ड्राइव पे ऑन किया, डी ड्राइव को, इस पर राइट क्लिक करिए। हम चेक करने के लिए बता रहे हैं कि कैसे चेक करेंगे, उसके बाद हम प्रॉपर्टीज पे चलेंगे। प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद यहाँ पे प्रीवियस वर्जन दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। देखिए आज हमने बनाया, जिस तारीख को हमने बनाया यहाँ पे दे रहा है, ये चेक करने के लिए था। चलिए अब हम दोस्तों क्या काम करते हैं, चलिए हम कुछ डिलीट करते हैं, ओपन कर लिया। अब हम क्या काम करते हैं, फोटो यहाँ से डिलीट करते हैं, तनवीर फोटो, तनवीर और टेस्टिंग, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और डिलीट करने के बाद हम चलते हैं रिसाइकिल बिन को भी खाली कर देते हैं, अब तो कहीं नहीं बचा है। अब हम क्या काम करते हैं, फिर से कंप्यूटर को ओपन करेंगे, डी ड्राइव को सेलेक्ट करके प्रॉपर्टीज पे जाएंगे,
प्रीवियस वर्जन पे जाएंगे और इसको हम क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद अब आपको क्या करना होगा, जो जो हमने डिलीट किया है इसके ऊपर राइट क्लिक करिए, कॉपी करिए। कॉपी करने के बाद आप अपना वहीं पर ले जाकर चाहे पेस्ट कर दीजिए, ये तरीका आपके पास है, या आप रिस्टोर कर सकते थे। दोस्तों हम रिस्टोर करने का भी आपको तरीका बता दे रहे हैं। आप चाहें तो कंप्यूटर पर राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद यहाँ पे सिस्टम प्रोटेक्शन पर जाने के बाद यहाँ से सिस्टम रिस्टोर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप रिस्टोर कर सकते हैं। तो मैं शॉर्टकट थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करिए और यहाँ पर क्या लिखिए, क्रिएट। ये तो रहा क्रिएट है रिस्टोर पॉइंट, इस पर जाएंगे। जाने के बाद आप यहाँ पे सिस्टम रिस्टोर का ऑप्शन दे रहा है। अब देखिए जिस जिस मतलब किस किस तारीख को हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, आप यहाँ से रिस्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जब भी हम ये बैकअप रिस्टोर पॉइंट क्रिएट होता है तो सी ड्राइव का ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, ताकि कभी भी आपके सिस्टम में कोई समस्या है तो आप सिस्टम को रिस्टोर करा सकते हैं। दोस्तों ये हमारी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं।